हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी मीडियम टेक में। और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी की तरफ से आने वाले एक ब्रांड न्यू फ़ोन के बारे में, जिसका नाम है रियलमी C3। इसको एंटरटेनमेंट का सुपरस्टार कहा जाता है। फ्लिपकार्ट पे इसे जो है फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे थोड़ा सा टीज़ कर दिया है कि ये जो है 6 फरवरी को लॉन्च होगा 12:30 PM को इंडिया में, और ये फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही, इसमें जो है जैसे कि इसकी हाइलाइट्स हैं, 5000 mAh बैटरी और जो है इसका बड़ा सा डिस्प्ले 6.5 इंच का। इसमें बहुत सारी अच्छे जो है यहाँ पे आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी जो है इस रियलमी C3 के बारे में हम बात करते हैं और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या प्राइस होने वाली है। तो हम बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं पहले जनरली। तो इसका लॉन्च डेट जैसा मैंने आपको बताया फरवरी 6 को हो सकता है 2020 को। और यहाँ पे ब्रांड तो रियलमी का ही है, मॉडल C3 है इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको जो है एंड्रॉयड की तरफ से पाई मिल जाएगा। कस्टम UI की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कलर OS का UI मिल सकता है, अगर रियलमी UI आए तो अच्छा होगा। यहाँ पे सिम स्लॉट्स की बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको जो है ड्यूअल सिम मिल जाएंगे, दोनों ही सिम 1 सिम 2 नैनो सिम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेटवर्क यहाँ पे 4G आपको इसमें मिलेगा। कलर्स जो है अभी तक तो ब्लू में आया है ये फ़ोन। स्क्रीन साइज़ इसकी 6.5 इंच ही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 pixels का है। बेजरलेस डिस्प्ले है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 270 PPI है। डिस्प्ले टाइप यहाँ पे आपको IPS LCD मिल जाएगा और जो स्क्रीन प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे कोनिंग गोरिल्ला ग्लास आपको मिल जाएगा। टच स्क्रीन यहाँ पे आपको जो है कैपेसिटिव टच स्क्रीन यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए मल्टी टच मिल जाता है। और चिपसेट की बात करूँ तो MediaTek का हीलियो G70 मिल सकता है इसमें। प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर का मिलेगा। और यहाँ पे रैम जो है ये दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो दो वेरिएंट्स में आएगा ये फ़ोन, जो कि एक 3 GB रैम में आएगा और एक जो है 4 GB रैम में वेरिएंट में आएगा। तो अगर आप ख़रीदते हैं 3 GB तो आपको मिलेगा 32 GB का स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, और अगर आप ख़रीदते हैं 4 GB वाला रैम वेरिएंट तो आपको मिलेगा 64 GB तक का यहाँ पे आपको स्टोरेज इंटरनल मिल जाएगा। और आप जो है एक्सपैंड भी कर सकते हैं 256 GB तक इसमें लगा के। मेन कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे पीछे आपको दो कैमरास मिलेंगे, डुअल प्राइमरी कैमरास 12MP + 2MP पीछे आपको दो कैमरास मिल जाएंगे। और जो है यहाँ पे आगे की तरफ आपको 8MP का जो है लेंस मिल जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारे जो है शूटिंग मोड्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे जो हमारे फीचर्स होते हैं कैमरा फोन्स में, जैसे कि यहाँ पे स्लो मोशन हो गया, HDR मोड हो गया, पैनोरामा सेल्फी भी मिल रहा है यहाँ पे, और जो है काफ़ी अच्छे और भी जैसे डिजिटल जूम हो गया, टच टू फोकस हो गया, बहुत सारे फीचर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेंगे कैमरा में। कैपेसिटी बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। और जो है स्टैंड बाई टाइम इसका जो है अप टू 720 आवर्स तक है 2G पे। और यहाँ पे और भी बातें करें तो हम इसमें आपको तो FM रेडियो मिल ही जाएगा, यहाँ पे लाउड स्पीकर भी मिलता है, आपको ऑडियो जैक भी मिलता है और बहुत सारे सेंसर्स भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे जो है इसने अपने इस रियलमी ने अपने रियलमी C3 के कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लिए गए हैं और काफ़ी जो है कलर्स कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन काफ़ी अच्छा आया है इन फ़ोटोज़ में। सिर्फ 12MP का पीछे आपको जो है मेन सेंसर मिलता है इसका। तो देखा जाए तो कैमरा के हिसाब से कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पीछे आपको यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा दूँ सैम्पल्स जो फ्लिपकार्ट पे हैं, तो इनको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं रियलमी C3 के बारे में। तो रियलमी C3 जो है लॉन्च हो सकता है इंडिया में, लॉन्च होगा भी फरवरी 6 को। और इसकी प्राइसिंग जो है वो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस करीब हो सकता है 8000 के आसपास, तो मैं फिक्स नहीं बोल सकता, पर 7999 तक इसका प्राइस जो है इंडिया में हो सकता है। अगर आप जो है एक मिड रेंज से भी नीचे वाले फ़ोन को देख रहे हैं इस प्राइस में 10,000 बिलो, तो ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है, या फिर इससे अच्छा तो आप जो है रियलमी 5i ही ख़रीद सकते हैं, उसमें आपको क्वाड कैमरास जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोन जो है 6.5 इंच मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन
आता है, कोरिन गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ स्टैंड बाई टाइम की बैटरी की, जो 5000 mAh की बैटरी इसमें दे रखी है, तो यहाँ पे स्टैंड बाई टाइम इसका जो है वो 30 डेज का है। कॉल जो है आप यहाँ पे 43.9 आवर्स तक यहाँ पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, 19.4 आवर्स तक म्यूज़िक स्ट्रीम कर सकते हैं, 20.8 आवर्स तक यूट्यूब चला सकते हैं, और जो है बात करते हैं पबजी की, तो यहाँ पे आप 10.6 आवर्स तक जो है पबजी इसमें आप खेल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटरी यहाँ पे इस फ़ोन में जो है आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमने देखा था Realme 5i में बहुत बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है 5000 mAh की, ऐसे ही इसमें भी आपको बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैंने जो है आपको Realme के इस फ़ोन के बारे में, जो कि लॉन्च होने ही वाला है इंडिया में, सभी चीज़ों के बारे में बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों के साथ भी जो है आप इस वीडियो को पहुँचा सकें, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकें कि Realme C3 जो है आने वाला है। और जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।